क्या आपके भी बाल झड़ रहे हैं? हाँ। क्या आपके बाल भी पक गए हैं? अरे हाँ भाई हाँ। चिंता क्यों कर रहे हो यार, आदिवासी तेल है ना? नहीं, मैं नहीं मानता। मुझे नहीं पता कि इस आदिवासी तेल को बनाने वाले कितने हैं, पर सबका सब यही दावा करते हैं कि 108 जड़ी बूटियों से बना है। भाई वो 108 जड़ी बूटियाँ हैं कौन कौन सी, ये भी तो बता देते। मुझे नहीं पता कि इनकी कमाई कितनी है, पर सभी बड़े बड़े एक्टर व इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन करवाते हैं। अरे भाई, यहाँ तक कि इन्होंने सोनू सूद तक को नहीं छोड़ा। यही नहीं, अभी और सुनिए। हद तो तब हो गई जब डॉली चाय वाला भी इनके प्रमोशन में पहुंच गया। इन सभी आदिवासियों को तेल बनाने वालों का मानना है ये है कि उनका फार्मूला उनके पूर्वजों का है, पर अभी तक वे जंगलों की लकड़ियां व अन्य संसाधनों पर अपना जीवन यापन करते थे। पर सरकार द्वारा जब प्राकृतिक संसाधनों से छेड़छाड़ पर रोक लगाने के बाद से ये लोग अब तेल बनाने लगे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये केवल एक नहीं है बल्कि कई सारे हैं। सभी के पास 108 जड़ी बूटी ही क्यों? भाई तेल सब लोग बना रहे हैं, किसी की जड़ी बूटी में फार्मूले ज़्यादा हो सकते थे, किसी में कम हो सकते थे, नहीं, सबके पास में 108 जड़ी बूटी। यह तेल कितना कारगर है ये तो मैं नहीं जानता, पर इनके पास पैसा कितना है यह सोचने वाली बात है। इनका प्रचार हर सोशल मीडिया पर मिलेगा, यहाँ तक कि ये लोग अपने प्रचार के लिए बड़े बड़े एक्टर और इन्फ्लुएंसर को भी बुलाने लगे हैं। सोनू सूद से लेकर अंकित बयानपुरिया, आरजे से लेकर डॉली चाय वाला तक को भी नहीं छोड़ा। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke, gun smoke, gun smoke. Biggie smoke. Khatam.